नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 मई सोमवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज सोमवार को समय बदल दिया गया। सभी परीक्षा केंद्रों पर 30 मिनट देरी से परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा आज सुबह 9 बजे की जगह 9:30 बजे शुरू हुई। बताया जा रहा है कि इंटरनल प्रोसेस के कारण परीक्षा का समय बदला गया है। पूरे प्रदेश में आधा घंटे देरी से परीक्षा शुरू हुई इस संबंध में श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पेपर जिस बक्से में होते हैं वो कोड के द्वारा खुलता है और यह कोड अंतिम समय में आता है। आज कोड आने में विलंब हुआ जिसके चलते परीक्षा देरी से शुरू हुई। इस बार अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की कलाई पर GPS बैंड बंधेगा ताकि उनकी लोकेशन मिलती रहे। यात्रा आगामी 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त तक चलेगी। कोरोना के कारण 2 साल बाद फिर से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाएंगे। जयपुर से 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं के जाने का अनुमान है। अब तक श्रद्धालु बैंकों, ऑनलाइन और पोस्टल सेवा के माध्यम से 10,000 से अधिक लोग यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए पहले से भी अधिक कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अजमेर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने फायरिंग की वारदात सामने आई। फायरिंग में एक युवक बाल बाल बच गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पीड़ित की ओर से मामले में 2 लोगों के खिलाफ फायरिंग का जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित यशोवर्धन ने बताया कि पुष्कर नरसिंहपुरा फॉयसागर रोड पर ससुराल है। उसके साले रितेश पाटनी, सास सुधा जैन और उनके पड़ोसी योगेश यादव और सुशील यादव से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के बाद परस्पर मारपीट भी हुई। इसे लेकर गंज थाने में परस्पर मुकदमे भी दर्ज हुए। बाद में पड़ोसी बिट्टू यादव और सोनू यादव ने बस स्टैंड पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाया। कॉम्प्रोमाइज के लिए पहुंचे पीड़ित यशोवर्धन पर 2 फायरिंग की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर जिले के करदनी थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची से ट्यूशन टीचर के रेप करने का मामला सामने आया है। ट्यूशन पढ़ाने के बहाने टीचर बच्ची को सूने मकान में ले गया और रेप किया। धमकी दी कि किसी को भी बताया तो जान से मार दूंगा। पुलिस ने बताया कि नांगल जैसा बोहरा निवासी एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी 11 साल की बेटी 6 क्लास में पढ़ती है। नांगल जैसा बोहरा में ही रहने वाले टीचर अजय उनके घर आया, बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने की बात कही, बेटी को ट्यूशन भेजने का दबाव बनाया, ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर दिखाने की कहकर बच्ची को साथ ले गया, सूने मकान में ले जाकर बच्ची से रेप किया। पुलिस ने बताया कि बच्ची का मेडिकल करवाया गया है। आरोपी अजय शादीशुदा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर के लिए प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। इसे ऑनलाइन माध्यम से जारी किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस बार नीट PG 2022 के लिए आवेदन किया है और परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना प्रवेश पत्र नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट PG 2022 का आयोजन इस साल 21 मई 2022 को किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों के समूह ने परीक्षा को स्थगित करने की याचिका दी थी। इनका कहना था कि नीट PG काउंसलिंग 2021 में हुई देरी के कारण छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी समय नहीं मिल पाया, इसलिए परीक्षा को जुलाई में करवाया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। भरतपुर जिले के सेवर थाना क्षेत्र के बासी गांव में हुए एक सड़क हादसे में 24 साल के युवक की मौत हो गई। युवक की 1 महीने पहले ही सगाई हुई थी, नवंबर में शादी होनी थी। वह अपनी बहन से मिलने भरतपुर जा रहा था, इसी दौरान मिनी ट्रक पलटने से उसकी मौत हो गई। राकेश जयपुर की एक जूस कंपनी में काम करता है। वह मथुरा जिले के मगोरा गांव का रहने वाला था। वह कंपनी की गाड़ी में बैठकर अपनी बहन से मिलने भरतपुर आ रहा था। राकेश की बहन भरतपुर रेलवे में नौकरी करती है। राकेश के साथ उनकी कंपनी का एक ड्राइवर भी था। दोनों भरतपुर की तरफ आ रहे थे, तभी बासी गांव के पास कोई अज्ञात वाहन उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में राकेश की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जाँच कर रही है। सीकर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अपनी ही दुकान में फंदा लगाकर अधेड़ के द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। मृतक महेश की वार्ड नंबर 62 में मिठाई की दुकान थी, जहाँ अधेड़ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
नागौर जिले के मैरता सिटी थाना क्षेत्र में बोरुंदा रोड स्थित एक शिक्षक के घर में चोरों ने सेंध लगाते हुए 14,500 रुपए की नकदी सहित 8 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित शिक्षक दोस्त के निधन पर सांत्वना देने गया हुआ था, जबकि पत्नी और बेटी वॉक करने के लिए पार्क गई हुई थी। पीछे से चोरों ने मकान में सेंध लगाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। अजमेर जिले के बयावर थाना क्षेत्र के मेदा का बाड़िया में एक युवक के द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या करने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। भारतीय डाक की पार्सल सेवा के जरिए कैटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग्स को अमेरिका भेजने के मामले का खुलासा अहमदाबाद पुलिस के क्राइम ब्रांच ने किया है। पकड़ी गई 590 ग्राम ड्रग्स की कीमत 2,95,00,000 रुपए बताई जा रही है। मामले में अजमेर जिले के पुष्कर निवासी सूर्य प्रकाश उर्फ सोनू गोयल को गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आरोपी से यह पूछताछ करने में जुटी है कि इतनी ड्रग्स उसके पास कैसे आई और अमेरिका किसे भेज रहा था। पुलिस यह भी पता लगाएगी कि पहले भी इस तरह पार्सल के जरिए उसने कहां कहां ड्रग्स भेजी है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि डाक पार्सल के जरिए ड्रग्स अमेरिका भेजा जा रहा है। सूचना मिलते ही डाक विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर अहमदाबाद में इस पार्सल को ट्रेस कर लिया और उसे रुकवा दिया था।